तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट का है। हम उनको टीम वीवर में सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनसे नहीं हो पा रहा था, तो हम यहाँ पे जा करके उनको टीम वीवर में इनकी FRP आपको रिमूव करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे बता दें आपको, इन्फिनिक्स का ये हमारा जो है HD करके इसका मॉडल जो है, आपको मेंशन में आगे भी कर दूंगा। स्मार्ट SD करके इसका जो मॉडल है, आप देख सकते हैं, इसकी FRP हम UMT से वन क्लिक में रिमूव करने वाले हैं। अगर आपको पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप जरूर देखिएगा। ये हम अपने स्टूडेंट को अपने टीम व्यूवर के थ्रू आपको सारा चीज यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाले हैं वन क्लिक में, UMT का वन क्लिक। अगर आपका ब्रांड मॉडल नहीं है तो कैसे उसको करना है, आपको सारा चीज यहाँ पे दिख जाएगा। स्मार्ट HD इसका मॉडल है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वीडियो आपको पता है तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट इन तक देखेंगे। UMT से वन क्लिक में इसकी FRP कैसे रिमूव करते हैं, तो चलिए वीडियो में आप ऐसे ही बने रहे। तो चलिए, जैसे कि हमने जो ये मॉडल आपको दिखा दिया फ्रेंड, अब इसको हम करेंगे UMT से इसकी FRP को वन क्लिक में रिमूव। तो चलिए फटाफट हम UMT को खोल लेते हैं, UMT को खोल लेते हैं यहाँ पे, और सारी चीज़ आपको यहाँ पे हम करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड, ये जो हमारा मॉडल है इन्फिनिक्स का, और ये बहुत ईजी तरीके से इसकी FRP वन क्लिक में आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा UMT खुल चुका है, जैसा कि आप हमारा देख सकते हो, ये हमने बताया था ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको अगर जाना है यहाँ पे फ्रेंड, सबसे पहले आपको जा सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली अपना मॉडल और ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्फिनिटी का जो स्मार्ट SD इसका मॉडल है, और सारी चीज़ें आप X61 और यहाँ पे 2B इसका जो मॉडल है, और उसका जो मॉडल बोलते हैं स्मार्ट HD, तो ये जो नया मॉडल है, और इसकी FRP अगर आपके पास, मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर इसका ब्रांड नहीं है, तो ब्रांड है और मॉडल नहीं है। इन्फिनिक्स ब्रांड है पर यहाँ पे इसका मॉडल अगर नहीं है, तो हमें इसका कैसे अनलॉक करना है, तो इस वीडियो में मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो सिंपल सिंपल, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट और सब्सक्राइबर का है, जैसे कि आप यहाँ पे लाइव भी देख रहे हो सारी चीज़ें। तो अगर ब्रांड या मॉडल नहीं है तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ें अब हमारे पे सीधे आपको वन क्लिक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे साइड में आपको वन क्लिक दिखाई दे रहा होगा। तो आप वन क्लिक में, अगर आपके पास UMT है, तो वन क्लिक में आप इसकी FRP रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रीड इन्फो पे है हमारा, अब सीधा और सीधा हमें यहाँ पे FRP पे टिक करना है, और रीड इन्फो पे रहेगा क्योंकि मोबाइल का आइडेंटिफाई वहाँ पे लेगा आपका सारा चीज़। तो यहाँ पे हमें कर देना है, और यहाँ पे एक्सक्यूज कर देना है। अब आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे हम गए, और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, देखेंगे फिर से एक बार अपने ब्रांड्स को, मॉडल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड मॉडल नहीं है, तो आप उससे मिलता जुलता ब्रांड या मॉडल ले सकते हैं। ब्रांड तो आपका इन्फिनिक्स ही होगा, और मॉडल उससे मिलता जुलता आप ले सकते हो, पर अगर नहीं है तो सिंपल और सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे जाना है आपको वन क्लिक। वन क्लिक में जाने के बाद यहाँ पे सीधा आपको करना क्या है, FRP रिसेट पे क्लिक करना है, और एक्सक्लूज कर देना है। एक्सक्लूज करने के बाद आपको यहाँ पे फोन को कनेक्ट करना है, और फोन कैसे कनेक्ट करना है, वैल्यूम अप डाउन दबा करके आपको फोन को कनेक्ट करना है। मीडिया टेक के आपके ड्राइवर ऑलरेडी होंगे ही होंगे, तो आपको वैल्यूम अप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट करना है। तो देखिए, हमने फोन को जब हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो फोन हमारा कनेक्ट हो गया, बहुत अच्छा बूट हो चुका है, मतलब कोई भी एरर या फिर कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सारी चीजें आप देख सकते हो, ये एक सपोर्ट के तौर से भी है, और ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये कम्प्लीट देखिए हो चुका है बहुत ही कम समय में, इसका नाम ही वन क्लिक है, तो वन क्लिक में FRP रिमूव हो चुकी है फ्रेंड। अगर आपके पास डोंगल या टूल है तो आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली तरीके से हमारा यहाँ पे अनलॉक हो चुका है ये सारा, इसका रीड इन्फॉर्मेशन और इसकी FRP वन क्लिक में रिमूव हो गई है। तो चलिए फोन के स्क्रीन में चलते हैं, और फोन के स्क्रीन में देखते हैं कि इसकी FRP रिमूव हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं फटाक से। तो अब जैसे मोबाइल की स्क्रीन में जाते हैं, और मोबाइल की स्क्रीन में देखते हैं कि इसकी FRP जो है वो रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है फ्रेंड। तो बेसिकली यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे चेकिंग इन्फो दिखाई दे रहा है, तो वेट करेंगे। वेट करने के बाद वहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, ये हम स्टूडेंट सपोर्ट के तौर पे हैं, हमने टीम व्यूवर में आकर के उनको सपोर्ट किया। तो देख सकते हैं स्किप का बटन आ चुका है, और बहुत ही इजी तरीके से हमारा अनलॉक हो चुका है वन क्लिक में UMT के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम कर लेंगे नेक्स्ट, इसको हम फाइनल आपको चालू करके दिखा देंगे कि एक्चुअल में ये हमारा रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही होगी फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपके सामने ही चल रहा है, जस्ट सेकेंड। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कमेंट करके बताइए कि आपके हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं। प्लीज़ ऐसे ही मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा फ्रेंड्स।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीजें। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि वन क्लिक अगर आपका मॉडल और ब्रांड नहीं है तो आप कैसे इसको वन क्लिक में इजिली तरीके से रिमूव कर सकते हैं सारी चीजें। तो आई होप ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगा होगा, बट ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए फोन हमारा फाइनली ऑन हो चुका है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे सपोर्ट के तौर पे। चलिए थैंक यू।